नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ एटीन मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री अभी मैं मौजूद हूँ होटल ताज भोपाल में आप भोपाल में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एग्जीबिशन लगाया गया है पेंटिंग एग्जीबिशन है कि 1960 के दशक और 1970 80 और चाहे हम दो की बात करें उस समय का भोपाल कैसा दिखता है आप इन पेंटिंगों के माध्यम से देख सकते हैं आइए हम बात करते हैं यहाँ की जो मैम है मैम बहुत बहुत शॉर्थ न्यूज एटीन पर आपका बहुत धन्यवाद बात होती है इस एक पेंटिंग बारे एक में कुछ देखिए मेरे पिताजी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जन्मे थे और बचपन से ही उनमें एक प्रतिभा थी आ, पेंटिंग की सबसे पहले शायद कहते हैं छः साल की उम्र में उन्होंने भटे का चित्र बनाया ऐसे उनकी शुरुआत हुई लेकिन बाद में जाके उन्होंने आ, छोटे छोटे जो पेंटिंग्स है दीवार पे आ, ये जो चारकोल होता है या जो दिए में जो काजल बनता है उससे उन्होंने वो पेंटिंग उकेरे दीवारों पे इस तरह से उनकी शुरुआत हुई फिर 1965 में वो उज्जैन से एक नौकरी के सिलसिले में भोपाल आके बसे मॉडल स्कूल की शुरुआत हुई थी यहाँ पे जिसमें उनको पेंटिंग डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था और वहाँ रहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश के कई पर्यटन स्थलों की ये की सैर की और कई जगह आर्ट कैंप में भाग लिया तो जैसे ये आप पेंटिंग देख रहे हैं ये 2012 में ताज़ुल मस्जिद के पास जो हमारा पुराना भोपाल है उसको इन्होंने पेंट किया है एक पेंटिंग है भोपाल का लेक है उसको भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसको किया है गौहर महल 2002 में एक आर्ट कैंप में उन्होंने उसको पेंट किया है इस तरह से वो बहुत घूमते थे और जिस भी जगह उन्हें कोई इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ दिखती थी और वो अपना पेंट कर लेते थे पेंट करते थे या स्केचिंग करते थे इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे काफ़ी काम किया मध्य प्रदेश में अभी आपके पास कितना कलेक्शन हुआ पेंटिंग्स की बात करें तो हाँ, हजारों की तादाद में उनके पेंटिंग्स हैं असल में वो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश और दुनिया में उन्होंने कई एग्जिबिशंस की यूरोप अमेरिका साउथ कोरिया दुबई शारजा थाईलैंड बहुत कई देशों की उन्होंने यात्राएँ की और वहाँ पे उनके पेंटिंग एग्जीबिशन हुआ तो वहाँ के कई संग्रहालयों में भी उनके पेंटिंग्स हैं और हमारे घर पे करीब हज़ारों की तादाद में अभी भी उनके पुराने पेंटिंग्स उनकी एक आदत थी अपने सारे पेंटिंग्स को सहेज के रखने की तो उनके बहुत रेयर उन्नीस सौ सॉरी उन्नीस से लेके अभी तक के दशक के सारे उनके जो काम हैं पुराने पुराने कुछ तो ऐसे फट के टुकड़े हो गए हैं लेकिन वो सहेज के रखे हुए हैं उन्होंने और फिर वो जापान गए थे जापान में दो बार उनकी एग्जीबिशन हुई और उन्नीस के दशक में उन्हें एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला ओसा का त्रृणालय अवार्ड वो अब तक के एकमात्र भारतीय है जिसको उस प्रस्टीजियस एग्जीबिशन में अवार्ड मिला दुनिया में बात करूँ कि क्या प्राइज होगी इन पेंटिंग्स की थोड़ी बताएँ प्राइज़ तो देखिए प्राइजलेस है ऐसा कहूँगी तो इसको तो हम पैसों में बांध नहीं सकते पर अमूल्य है ये धरोहर ही अमूल्य है पर यह जितना पुराना आर्टिस्ट का काम होता जाता है उतना उसका वैल्यू बढ़ता जाता है तो हाँ लाखों में और जो ऑक्शन हाउसेज़ हैं उन्होंने भी ऑक्शन में पेंटिंग रखे हैं Um, कई जगह ऑक्शंस में भी उनके पेंटिंग जाते रहे हैं देश और दुनिया के जो ऑक्शंस हुए हैं उसमें मैं बात करूँ कि अभी आपने कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज को किया थोड़ा बताएंगे हाँ उन्नीस सॉरी दो में उनकी डेथ हुई उनतीस मई को उसके बाद से मैंने तय किया क्योंकि मैं उनकी जो मृत्यु की तारीख है वो याद नहीं रखना चाहती थी तो उनका 25 अक्टूबर को जन्मदिन होता है मैंने ऐसा तय किया कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल उनके नाम पे आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करेंगे और चूँकि मैं संगीत से हूँ मैं खुद सितारवादी का हूँ पिताजी का संगीत में बहुत पिताजी की बहुत रुचि थी तो हमारा जो घर में स्टूडियो है उनका पेंटिंग स्टूडियो वहाँ एक तरफ वो पेंटिंग करते थे दूसरी तरफ मेरा सितार का रियाज चलता रहता था तो इस तरह से हमारा एक तालमेल था संगीत और पेंटिंग का तो इसलिए वो जो हम शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं फेस्टिवल उसमें हम तीन दिन लगभग तीन दिन समारोह करते हैं उसमें म्यूज़िक भी होता है साहित्य भी होता है पेंटिंग भी होता है और पहला उनके जाने के बाद ऑर्गेनाइज़ किया था मानव संग्रहालय में तो उस वक्त भोपाल मानव संग्रहालय भोपाल ने हमें काफ़ी मदद की थी पूरा वो उनका तीन दिन का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था मध्य प्रदेश टूरिज़्म ने स्पॉन्सरशिप दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी जो पहले आई कहलाती थी उन्होंने भी इसमें काफ़ी सहयोग दिया था तो पहला मानव संग्रहालय भोपाल में हुआ फिर दूसरा शो हुआ वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और हिंदुस्तान की जो सबसे पहली आर्ट गैलरी है धूमी मला आर्ट गैलरी उनके कोलेब्रेशन में दिल्ली में हुआ था तो वहाँ उनकी करीब पंद्रह दिन की एक एग्जिबिशन बड़ी लगी थी और मेरे सितार से उसका ओपनिंग हुआ था इसके बाद तीसरा जनजातीय संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल ने किया हम लोगों ने एक कॉलेज के स्टूडेंट्स की पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ की थी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग तरह के हैं कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे कौन कौन चाहिए? हाँ, हाँ आ, जैसे ये पेंटिंग है आगर का आगर जो उज्जैन के पास एक छोटा सा कस्बा है वहाँ का भी ये गेट हुआ करता था उसका है फिर ये उन्होंने साची में भगवान बुद्ध के जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं उससे इंस्पायर होकर भगवान बुद्ध का चेहरा बनाया हुआ ये है 1970 में मांडू का 1976 का मांडू के स्केचेस किए हैं है? ये 1975 खजुराहो वो जहाँ भी जाते थे उनके पास एक शीट होती थी और पेन होता था और वो उस पर भगवान कृष्ण की हाँ, ये खजुराहो के मूर्ति से लेके कृष्ण नहीं है ये वहां किसी आ, एक मूर्ति है मेरे ख्याल में ये एक जनरल वहाँ मतलब लोगों के लिए है किस चीज की पेंटिंग ये वाली ये आ, ये एमपी की एक जगह है आगर ये आगर का पुल है और वहाँ का उन्होंने ये और ये माली मैम इसके बारे में बताइए तो और ये जहाज महल मांडू है ये भी 1900 ये उन्नीस का है मतलब आप देखिए उनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है और वो हर बार कहीं कहीं जाके और स्केचेस और पेंटिंग्स करते थे जैसे ये शायद रतलाम का है रतलाम टॉवर पुराने 60 के दशक में 1960 का काम है मेरे ख्याल में अभी यहाँ जो हमारा कलेक्शन है उसमें सबसे पुराना यही होगा 1960 में 1960 रतलाम कैसा में रतलाम शार है। है। बाजार का दृश्य है ये यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत बड़ा ये पेंटिंग एक हाँ मैं बिल्कुल बताती हूँ उसके पहले मैं आपको ये दे 1970 में भोपाल का है ये पुराना ताजुल मस्जिद के पास कहीं का 1970 का भोपाल कैसा दिखता था तो ये वाटर कलर है और ये अलग अलग माध्यमों में उन्होंने किया हुआ है स्केचेस हैं वाटर कलर है पेस्टल कलर है और बाद में वो धीरे धीरे फिर अमूर चित्रण की तरफ चले गए तो आप ये जो बहुत ब्राइट कलर्स देख रहे हैं हरा कलर है लाल है पीला है तो ये सब वो कहते थे चूँकि वो उज्जैन में जन्मे थे मालवा रीजन कहलाता है और यहाँ मंदिरों के सामने से सिंदूर के मेहंदी के ढेर लगे होते थे जो उनकी इंस्पिरेशन है जैसे आप इसमें देखेंगे काफ़ी हद तक आपको हरा रंग जो दिख रहा है एबस्ट्रेक्शन मॉडर्न आर्ट बाद में वो इस तरफ डाइवर्ट हुए थे और इसी के लिए वो जाने जाते हैं आखिरी सवाल ये है कि जो जितनी सी पेंटिंग्स हैं हम साठ की दशक के देखें सत्तर अस्सी दो तो हज़ार के दशक की तो सोसाइटी में क्या मैसेज देना चाहती हैं इस पेंटिंग्स के द्वारा अगर आप अपने नज़रिए से देखें क्योंकि आपके बाबा थे आप ज़्यादातर समझ सकती हैं हाँ मैं मैसेज तो ये देना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पिताजी को मैंने बचपन से देखा हर माध्यम में उन्होंने काम किया फिगरेटिव से लैंडस्केप से लेके पोर्ट्रेट से लेके और फिर बाद में वो एब्स्ट्रेक्शन की तरफ आए तो हम ये कहेंगे कि आ, सिर्फ एक छोटा सा टाइम स्पेंड नहीं होता है जिसमें आप काम करते हैं ये आपकी एक लंबी यात्रा होती है और हर या उस यात्रा में अलग अलग पड़ाव होते हैं जो हर आर्टिस्ट को पार करना पड़ता है और करना चाहिए उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है उस पेशेंस के साथ आप काम करेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जैसे और आगे के क्या प्लान्स हैंग्जीबिशन को लेकर क्या आप जैसे कि आपके बाबा ने जापान और काफ़ी विदेशी यात्रा की है क्या आप भी इस पेंटिंग्स को विदेशों तो में ले जाके एग्जिबिशन करना चाहिए जी मेरी यही कोशिश है कि उनके हर जन्मदिन पे हम आर्ट फेस्टिवल करें जैसा मैं अभी तक करती आई हूँ और ना सिर्फ क्योंकि हर जो आर्ट है वो इंटर रिलेटेड है पेंटिंग संगीत साहित्य सब एक दूसरे से जुड़े हैं नृत्य तो मैं चाहूँगी कि आगे भी हम ये अलग अलग शहरों में और दुनिया के भी अलग शहरों में अभी पेरिस में करने का प्लान है क्योंकि फ्रांस में पेरिस में बहुत जाती रहती हूँ अपने प्रोग्राम के सिलसिले में तो एक आर्ट शो वहाँ करने का प्लान है और हम ये चाहेंगे कि इसके साथ दूसरे आर्ट फॉर्म्स भी हम जोड़ें और एक पूरा फेस्टिवल ऐसा बनाएं जिससे नए लोगों को ये मैसेज जाए और इनकी कला जिंदा रहे जो मेरे पिताजी थे उनकी कला को हम और लोगों तक पहुँचा के और नए लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि इस जमाने के लोगों ने कितना स्ट्रगल किया कितना काम किया लेकिन अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखा निराश नहीं हुए हताश नहीं हुए और अपने इच्छा शक्ति के दम पे दुनिया भर में नाम कमाया और बहुत ईमानदारी और बहुत डेडिकेशन समर्पण के साथ थैंक यू सो मच मैम धन्यवाद